बाईस दिन मैथ स्टूडेंट को एक तो स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 7.5 चैप्टर नंबर 7 इज अलजेब्रा एक्सरसाइज 7.5 इट इज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर ओके पेज नंबर 100 सो क्वेश्चन 1 2 डन नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 ओके Yes, done. Up to question 2. Yes. Positive. The sum of two positive number is 55. Find the numbers. Positive number kya hoti hai? Jo one one add karke aate hai. Please note. Positive. That the consecutive numbers are x and x plus 1. तो हमने ये तो ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है ना? x plus 1, x plus 2, x plus 3 ये भी तो था तो फिर बाद में consecutive चलते रहते हैं कभी ये भी होता है। तो वो एक और ही क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने क्या बोल रहा है? Sum of two consecutive numbers. Sum मतलब add करना। तो लोगों अगर करते हैं तो क्या आता है? Is 65. 55 x plus x 2x in the wrong way combined with it plus y equals to 65 2x equals to 65 minus 1 2x equals to 64 अब उसके साथ अगर ऐसा डिवाइड कर आपको मिन में कहा जाता है डिवाइड में 2 3 जा 6 2 2 जा 4 x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 32 तो हमारा नंबर है एक का x प्लस 1 x की वैल्यू आ गई हमारी 32 इसकी 32 प्लस 1 तो 33 तो हमारे कंसेक्यूटिव नंबर क्या आ गए 32 बाय 33 गॉट इट बेटा यस गॉट इट नाउ द नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम बताइए अपनी 3 या 4 और नेक्स्ट प्रॉब्लम Yes, tell me. Yes, tell me, beta. Next problem in this chapter. No. Yes, tell beta. Now I'm going to start revision exercise. If आपको problem नहीं है exercise 7.5 में 4 में 1 में तो मैं revision exercise start कर रही हूँ. Okay, revision में आपकी पूरी exercise 1 2 3 4 5 exercise के combined आएगा. इधर अच्छा स्टार्ट हो रही है ये अच्छे से पढ़नी है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है पहले राइट स्टेटमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्या करना है स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है जैसे एक्सप्रेशन दिया हुआ है 15 माइनस x कैसे लिखेंगे हम स्टेटमेंट की फॉर्म में बताइए हम स्टेटमेंट की फॉर्म में से कैसे लिखेंगे एक्स प्लस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 15 ऐसे लिखेंगे ना कैसे नेक्स्ट अपॉन 5 5 बताइए जी क्या लिखेंगे बताइए बेटा y
जाएगा 1 एंड 5। नेक्स्ट सी पार्ट z अपॉन 7 माइनस 9, इसको कैसे लिखेंगे हम? 9 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम क्वेश्चन ऑफ z एंड एग्जाम में रिवीजन एक्स्ट्रा इसलिए है कि एमसीक्यूज भी आएंगे फिलअप भी आएंगे, 5 फिलअप 5 एमसीक्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होती है आपको मैं बताती हूं। सही प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेपरेट करके 4 मल्टीप्लाई एक्स अगर हमें माइनस गिवन है तो इसमें साथ में माइनस भी यहाँ पे पुट करना है आपको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट डाउन द कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट किस पर लिखना है? 2n n माइनस 2m स्क्वायर n। कोफिशिएंट आपको मैंने क्या बताया था, इसमें ये भी चीज सेपरेट करके जितनी भी लास्ट पार्ट है उतना कोफिशिएंट होता है इसका। यहाँ पर हमने यही है एम नहीं लिया, डिस्कार्ड नहीं लिया है, एंड यहाँ पर हमने ले लिया कॉम्पिटिशन से पहले वन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज आंसर। नाउ द नेक्स्ट सी पार्ट, 4/9 इन 4/9 आर स्क्वायर एस क्यू, इससे 4/9 का बचा, 4/9 को सेपरेट करके कितना बचा हुआ था? R square S cube, its coefficient of 4/9. Okay, बेटा got it बच्चे? Now the next question. Read it carefully. अच्छे से पहले क्वेश्चन रीड करना तभी आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 4। Find the value of the following equation. If x equals to 5, y equals to 6, z equals to -4. X equals to 5, y equals to 6, z equals to -4. हमें तीन वैल्यू की बना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट क्या हमारा 6x माइनस 5y प्लस 4z। अब क्या करना है, हमें वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है पहले x y z की स्पेस पे, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। x की जगह क्या करना है 5, y की जगह 6 और z की जगह माइनस 4। ओके तो 6 5 क्या 13, 5 6 जा 13, next plus minus 4 जा 16, solve कर plus का 30 minus का cancel, तो क्या बचा हमारे पास minus 16 is answer। yes got it बेटा। question number 4, okay C part is here, 3xyz upon 7, 3x की जगह यहाँ पर करना है 5,
y की जगह 6, z की जगह माइनस 4 अपॉन 7, 5 थ्री जा 15, 15 4 जा, अरे 4 से काट लिया तो इजी हो जाएगा हमारे लिए, 15 4 जा 16, 16 की 1 0 हियर 6 बचा हुआ था, 6 6 जा 36, 36 अपॉन 7 इज आंसर, गॉट इट बेटा? Yes, better understand. The next question. Question number 5. Solve the following equation by trial and error method. आपको क्या करना है, आपको मैंने कल बताया था ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे होता है, सॉल्व कर लो। a plus 8 equals to 20। पहले हम क्या करना है, ट्रायल है, पहले हम अगर 1 पुट करेंगे की जगह, पहले क्या पुट करें हम, पहले 1 लेफ्ट हैंड साइड इज दिस कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड इज 22 लेफ्ट पे करिए 1 कर दें 1 प्लस 8 9 9 ओके दूसरा करके देखिए 2 प्लस 8 10 द 24 नॉट इक्वल नेक्स्ट बताइए क्या पुट करें ऐसा हम यहां पर यहाँ पर क्या पुट करें 24 बन जाए बताइए 16 यस 16 प्लस 8 पहले हमें ट्राई कर रहे हैं ट्राई करके नहीं आया क्योंकि हमारा रॉन्ग हो गया है ट्राई करके ट्राई एंड एरर क्यों बोलते हैं इसे क्योंकि इसमें एरर आपके बार बार हम सॉल्व करके देखते हैं बार बार गलत होता है उसके बाद लास्ट में एक आंसर वैल्यू पुट करके आंसर आता है 24 आ गया नेक्स्ट की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें एक वैल्यू में क्या करिए 16 तो आंसर क्या है एक वैल्यू 16 इज आंसर गॉट इट बेटा लास्ट पार्ट आपको होमवर्क में करने हैं इसके ठीक है ओके बच्चे